अस्सलाम वालेकुम रियाज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सोयाबीन सीड की प्रोटीन पे है। जो हमारा लास्ट हमारी ब्रीफिंग थी वो भी हमने आपको सोयाबीन सीड प्रोटीन पे दी थी। इसमें हम थोड़ी सी बातें और ऐड करना चाह रहे हैं ताकि आप और सहूलत के साथ इसको समझा जाए, क्योंकि हमारा जो सोयाबीन है वो पोल्ट्री के लिए बहुत ही अहम सीड है। इसमें क्योंकि सीड के दो हिस्से हैं बेसिकली, इसमें आयल कोई 21-22% है और बाकी जो है को 71-73% तक मील है। और मील जो है हमारे पाकिस्तान में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है। और हम इस पे ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम एक शिप में अगर 2,00,000 टन सीड आता है और उसको 5 प्लांट लेते हैं और एक प्लांट जो है उसी सीड से 48 CP ले रहा है और दूसरा प्लांट 47 ले रहा है और बाकी 46-45 ले रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है? आप देखें कि अगर आप ब्राज़ील सोया प्रोसेस करते हैं, एक प्लांट जो 300 टन पे चल रहा है वो उससे जो 48 CP क्रूड प्रोटीन जो है वो हासिल कर रहा है, तो उसकी जो 3 टन पर डे पे जो पर मंथ वैल्यू मिल की बनती है वो 63 करोड़ रुपये बनती है। और दूसरा प्लांट जो 47 CP ले रहा है वो उसको पर मंथ जो हमारी मील की वैल्यू बनती है 47 CP के ऊपर वो 57 करोड़ रुपये बनती है। और एक और प्लांट जो उसी ब्राज़ील सोया से मील बना है उसकी 3,300 टन पर डे क्रशिंग पे पर मंथ वैल्यू बनाए तो 52 करोड़ बनती है। अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जो मील है सोयाबीन का वो प्रोटीन के हिसाब से ही होता है, उसमें प्रोटीन की वैल्यू क्या है। और हमें भी इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर हम उसी मील को 46 लेंगे और 48 लेंगे तो हमें एनर्जी में बहुत फ़र्क है। वही एनर्जी है जो आपके बर्ड्स को चाहिए होती है। तो हम अगर इसी ब्राज़ील सोया को 48 वाली CP बनाएं तो और अगर हम 46 प्रोटीन का मील बनाएं तो हमें इन दोनों में जो वैल्यू डिफरेंस है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का है। यानी कि हम एक महीने में अगर 48% वाला मील बना रहे हैं सोयाबीन का तो हमें 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अगर हम 46 बना रहे हैं तो हम 10 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। और ये लॉस हम बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट हमारा प्लांट है इसको हम A-grade CB प्लांट में कन्वर्ट करें। A-grade CB प्लांट जो है वो आपको इस काबिल बना देगा कि वही प्लांट जो आपकी 46 क्रूड प्रोटीन बनाया प्रोसेस में वही प्लांट 48 बजा जाएगा। और वो मेरे दोस्त अहबाब या मालकान जो अपने नए प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली या A-grade CB प्लांट लगाएं। A-grade CB प्लांट आपके प्लांट का हिस्सा है, कोई नई बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करनी है, आपको प्रोसेस लेके आना है जो आपको High CP मील बना के दे, जिसमें आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए का पर मंथ आपको फायदा होगा अगर आप हाई प्रोटीन मील बनाएंगे। तो इस बारे में हमने ये जो अपलोड कर रहे हैं हम अपना आज का लेक्चर, इसमें हम आपको रिटर्न फॉर्म में पूरा वो स्केड्यूल बना के भेज रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं और इन 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 सारी बातों में क्या चीज़ अहम है वो सारा आपको इस रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप इसके बावजूद कोई इंक्वायरी चाहिए तो मैं मोबाइल नंबर ईमेल मेरा हाजिर है, मैं आपसे हर वक्त कांटेक्ट में हूँ। और ये इलम एक शेयरिंग है, हम यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क हमारे अदारे हम उस मुकाम पे जाएं ताकि हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएं। बेहतरीन प्रोडक्ट की वैल्यू है, जितनी प्रोडक्ट आपकी एक्सेलेंट होगी उतना आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो आप मेहरबानी करें इन बातों पे गौर करें ताकि आप प्रेजेंट प्लांट को और जो हम नए प्लांट लगा रहे हैं नो A-grade CB प्लांट में कन्वर्ट करें।
खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।